Hi friends, welcome to my YouTube channel Like Your Neurologist. Friends, today we are discuss about of thyroid gland in endocrine system. So friends, watch this video completely so that you can understand the thyroid gland better in the endocrine system. So let's start. फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल थायराइड ग्लैंड जो होती है वो ये जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, यानी कि जिसमें बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं उनमें से एक थायराइड ग्लैंड भी होती है, तो इसके बारे में आज हम लोग जानते हैं. सो फ्रेंड्स, जो थायराइड ग्लैंड होती है वो टू लोब्ड एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, यानी कि थायराइड ग्लैंड में टू लोब्स होते हैं. फाउंड इन ऑल वर्टिब्रेट, ये जो थायराइड ग्लैंड होती है ये सभी वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होती है. एंड फ्रेंड्स, लॉकेट इन द फ्रंट ऑफ द इधर साइड ऑफ ट्रैकिया. फ्रेंड्स, जो थायराइड ग्लैंड होती है वो ट्रैकिया के इधर साइड प्रेजेंट होती है, यानी कि ट्रैकिया के लेफ्ट एंड राइट, जो लेफ्ट लोब एंड राइट लोब. फ्रेंड्स, जो हमारा ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया में हमारी थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है एंड थायराइड ग्लैंड के टू लोब्स होते हैं, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब. नेक्स्ट फ्रेंड्स, एंड प्रोड्यूसिंग वेरियस हारमोन्स. फ्रेंड्स, जो थायराइड ग्लैंड होती है बहुत सारे हारमोन्स को प्रोड्यूस करती है, सच एज स्टाइडोथायरोनिन एंड कैल्टिनोनिन. ये हारमोन्स थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करती है. फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं थायराइड ग्लैंड सिचुएटेड कहाँ होती है. फ्रेंड्स, थायराइड ग्लैंड जो होती है वो हमारे नेक में सिचुएटेड होती है. जो हमारा ट्रैकिया होता है एंड लैरिंग्स होता है इसके फ्रंट पे प्रेजेंट होती है. हियर यू कैन सी ट्रैकिया, ट्रैकिया के फ्रंट में प्रेजेंट होती है हमारी थायराइड ग्लैंड एंड नेक में प्रेजेंट होती है ट्रैकिया के फ्रंट. और जो हमारे वर्टिब्रेट्स होती हैं, जो सिक्स एंड सेवन्थ वर्टिब्रेट होती हैं उनके लेवल पे प्रेजेंट होती है हमारी थायराइड ग्लैंड. फ्रेंड्स, जो थायराइड ग्लैंड होता है इसका वेट जो होता है वो 25 ग्राम्स होता है एंड इसके सराउंडिंग जो होते हैं थायराइड ग्लैंड के फाइब्रस कैप्सूल्स प्रेजेंट होते हैं. फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने देखा है स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स, यानी कि जो थायराइड ग्लैंड होती है वो कौन कौन से हार्मोन्स को सिक्रीट करती है. तो फ्रेंड्स, जो थायराइड ग्लैंड होती है वो सिक्रीट करती है हार्मोन्स को, जैसे कि थायरोक्सिन एंड ट्राइडोथायरोनिन. ये फ्रेंड्स, जो थायराइड ग्लैंड है वो हमारी थायरोक्सिन एंड ट्राइडोथायरोनिन हार्मोन को सिक्रीट करती है. और जो हमारा डाईआइडोथायरोनिन होती है एंड जो मोनोआइड होता है ये मिल करके, ये दोनों हार्मोन मिल करके ट्राइडोथायरोनिन बनाते हैं, सिंथेसिस करते हैं. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फंक्शंस ऑफ थायराइड ग्लैंड. फ्रेंड्स, जो थायराइड ग्लैंड होती है इनके फंक्शंस क्या होते हैं इनके बारे में जान लेते हैं. इट्स प्ले अ मेजर रोल. फ्रेंड्स, जो थायराइड ग्लैंड होती है मेजर रोल प्ले करती है मेटाबॉलिज्म में, ग्रोथ में एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी. जो ह्यूमन बॉडी है उसके डेवलपमेंट में, ग्रोथ में और मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है थायराइड ग्लैंड. नेक्स्ट इज इट हेल्प टू रेगुलेट मैनी बॉडी फंक्शंस बाय कंसिस्टेंटली रिलीजिंग अ स्टडी अमाउंट ऑफ थायराइड हार्मोन इन टू द ब्लड स्ट्रीम. फ्रेंड्स, जो हमारा ब्लड स्ट्रीम है, जो सर्कुलेशन, उसको भी रेगुलेट करता है. नेक्स्ट इज इंक्रीज द वेजल मेटाबॉलिक रेट, यानी कि जो BMR रेट होता है उसको भी थायराइड हार्मोन जो होता है इंक्रीज करती है. नेक्स्ट इज इंक्रीज इन द एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज. और हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन होता है उसको एब्जॉर्प्शन में ये इंक्रीज करती है थायराइड ग्लैंड. सो फ्रेंड्स, नाउ वी आर शी अबाउट द डिसऑर्डर्स ऑफ थायराइड फंक्शंस. थायराइड ग्लैंड की जो फंक्शंस है उसके डिसऑर्डर्स क्या हैं. सो हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी कि हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी कि जो थायराइड ग्लैंड है हार्मोन्स जब कम प्रोड्यूस करती है तब क्या होता है, किडनीज्म हो जाता है. किडनीज्म फ्रेंड्स क्या होता है कि जो मतलब ब्रेन का ग्रोथ सही से नहीं हो पाता है, जो मेंटल रिटार्डेशन होती है, जो मेंटल रिटार्डेशन होती है यानी कि मानसिक रूप से जो ग्रोथ है वो ब्रेन की सही से नहीं हो पाती है. नेक्स्ट इज मैग्जीडीमा. मैग्जीडीमा में क्या हो जाता है फ्रेंड्स, मैग्जीडीमा में जो मतलब कि थायराइड की डिफिशेंसी हो जाती है, थायराइड की डिफिशेंसी हो जाती है तो जो फिजिकल ग्रोथ होती है यानी कि हमारी जो बॉडी की ग्रोथ है फिजिकली वो सही से नहीं हो पाती है. नेक्स्ट इज एंडेमिक ग्वाइटर, यानी कि ग्वाइटर हो जाए विच ऑकर ड्यू टू डिफिशेंसी ऑफ आयोडीन, यानी कि आयोडीन की कमी के कारण हमारे जो फूड है उसमें आयोडीन की कमी के कारण क्या हो जाता है, ग्वाइटर हो जाता है
एंड इनलार्जमेंट प्रोवाइड होता है। फिर नेक्स्ट इज हाइपर अर्विंस, यानी कि जब हमारी थायराइड ग्लैंड है जब ये ज़्यादा हार्मोन प्रोड्यूस करने लगती है तब क्या होता है, तब ग्रेव्स डिसीज होता है हो जाती है। ग्रेव्स डिसीज स्टूडेंट्स क्या होती है, जो हमारे एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ TSH यानी कि जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है जब प्रोड्यूस होने लगता है ज़्यादा, तब क्या होता है आई वॉल्स जो होते हैं रैपिड पल्स एंड नर्वसनेस हो जाती है। यानी कि जो आई वॉल्स होती हैं, मीन्स जो आई वॉल्स होती है, प्रोट्रूरेशन ऑफ आई वॉल्स मीन्स जो आई वॉल्स हैं वो बाहर निकलने लगती हैं, तो आई वॉल्स प्रोट्रूरेशन हो जाता है। रैपिड पल्स यानी पल्स जो है थे होती है वो ज़्यादा फास्ट चलने लगती है, और नर्वसनेस हो जाती है यानी कि घबराहट महसूस होने लगती है जब थायराइड ग्लैंड जो होती है जब ज़्यादा हार्मोन को प्रोड्यूस करने लगती है। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स, हम लोगों ने देखा इस टाइप से थायराइड ग्लैंड के बारे में, थायराइड ग्लैंड के स्ट्रक्चर के बारे में, एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रीट करती है, फंक्शंस के बारे में जाना और डिसऑर्डर्स के बारे में जाना। फ्रेंड्स, अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी है सो फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।